आप इसे फॉलो कीजिए, आपका जो स्कोर है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। और हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आई एम जनीस सिद्दीकी, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला महाराष्ट्र। सो आज का वीडियो स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। लास्ट कुछ रोज से मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रमज़ान में स्टडी कैसी करनी चाहिए जिससे हमारी स्टडी भी इफेक्ट ना हो और हमारे रोज़े भी प्रॉपरली मैनेज हो जाए स्टडी के साथ साथ। ओके सो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपसे जो मैंने अपने टाइम शेड्यूल फॉलो किया था रमज़ान में, सो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जिससे आप एक बार सुन लो, उसके बाद में अपना खुद का सेल्फ शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। इंशाल्लाह आपका जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी बेटर होगा। ओके सो देखिए, मैं क्या करता था ना, जो मेरा जो मेन टाइम हुआ करता था रमज़ान में स्टडी के लिए वो हुआ करता था आफ्टर तरावी एंड बिफोर सहरी। ओके नाइट में, सो मैं 10 to 3 नाइट में स्टडी किया करता था। सो यहाँ पे मुझे मिलते थे अराउंड 4 to 5 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी मैं कर सकता था, है ना। और इस टाइम पे अपन खा सकते हैं, है ना, जो भी अपनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ डेट्स होती है, बिस्किट्स होते हैं, सो वगैरह, अपन ये सब चीज़ें ले सकते हैं और अपनी इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो जो मेरा जो मेन टाइम था रमज़ान में स्टडी का वो यही था, आफ्टर तरावी बिफोर सहरी। उसके बाद मैं क्या करता था, सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़े बाद मैं सो जाता था अराउंड 6 to 7 आवर्स के लिए। ओके सॉरी, अराउंड 5 to 6 आवर्स के लिए मैं स्लिप लेता था प्रॉपरली। ओके फिर उसके बाद करीब 11 to 11:30 तक मैं अपनी स्लिप कंप्लीट करके उठ जाता था। ओके उसके बाद प्रॉपरली फ्रेश होकर फिर से स्टडी करता था जोहर तक। सो जोहर का टाइम जनरली होता है 1 PM के करीब, है ना, 1 to 1:30 के करीब होता है। सो यहाँ पर मुझे मिलता था अराउंड 2 आवर्स के करीब मैं स्टडी कर सकता था, राइट। सो आपके टोटल आवर्स हुए, आपने अगर नाइट में स्टडी किया है तो वहाँ पे आपके 5 आवर्स कंसिडर कीजिए, यहाँ पे 2 आवर्स कंसिडर कीजिए, तो आपका अभी तक 7 आवर्स का स्टडी हो गया, राइट। सो फिर बाद में क्या होता था कि नमाज़ के लिए जाता था, है ना, नमाज से रिटर्न घर आए बाद मैं अपनी असर तक के स्टडी किया करता था। सो यहाँ पे आपको असर तक के अगर स्टडी करते हो आप तो अराउंड यहाँ पे आपको जोहर से असर का जो गैप होता है यहाँ पे आपको 3 to 4 आवर्स का गैप मिलता है, तो यहाँ पे आप 3 आवर कंसिडर कर सकते हो स्टडी के लिए, ठीक है। अगर आप 3 आवर्स भी नहीं कर सके तो इफेक्टिव 2 आवर्स तो कर सकोगे ना, राइट। सो जो आपने जो नाइट में स्टडी किया था वो कितना हुआ था, 5 आवर्स का, ठीक है। ओके सो अपने फिर बाद में आपने स्लीप के बाद में जो स्टडी किया है जोहर तक के वो 2 आवर्स का स्टडी किया है, फिर यहाँ पे आपने जो स्टडी किया है जोहर से असर तक, तो ये कितने आवर्स का स्टडी हुआ है, 2 आवर्स का, तो 5, 6, 7, 8, 9, सो करीब आपका 8, 9 का स्टडी हो गया कंप्लीट। सो असर के से मगरिब का जो गैप हुआ करता था मैं उसमें कुरान शरीफ पढ़ता था, ओके, नमाज वगैरह असर की, और उसके बाद में दुआ और कुछ इफ्तारी के सामान होते सो वो लेकर आना करते, राइट। सो ये कुछ शेड्यूल था। फिर उसके बाद में इफ्तारी के बाद में मगरिब का टाइम होता है, सो मगरिब के बाद में इफ्तार के बाद में थोड़ा रेस्ट लेता था, फिर उसके बाद में तरावी की नमाज़ के लिए जाता था, एंड तरावी की नमाज़ से घर रिटर्न आकर डिनर करना, डिनर के बाद में फिर से जो मेरा शेड्यूल था, है ना, उसे फॉलो करना, और इसी को 30 डेज तक के रिपीट किया मैंने। सो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा उस साल स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा, इस रीज़न से मैं यहाँ पर हूँ। ओके सो आप भी ये जो मैंने शेड्यूल बताया है ये, हाँ, और ये जो शेड्यूल मैंने बताया है ये सेल्फ स्टडी के लिए बताया है, मेरा कोई उस टाइम पे क्लास नहीं था, सो मैं सेल्फ स्टडी किया करता था। सो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे मतलब बनाया था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं था, ठीक है, ये मुझे सूटेबल लगा सो मैंने बनाया, और ये मैं सेल्फ स्टडी किया था। अगर आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास जा रहे होंगे, जिनका क्लास होता है ना, मॉर्निंग का जनरली टाइम होता है क्लास का, सो आप क्या कर सकते हो, आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जो आपकी जो स्लीप टाइम है, जो मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं सहरी के बाद सोया करता था और अराउंड 11 तक के सोता था, सो आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। आप जो आपका स्लिप टाइम है वो आप ना आपकी क्लास के बाद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपका इफेक्टिव टाइम होना चाहिए स्टडी का रमज़ान में, सो वो हाँ आफ्टर तरावी एंड बिफोर सहरी होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पानी वगैरह की अगर आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है सो आप पानी वगैरह पी सकते हो, राइट। सो आप इसे फॉलो कीजिए, आपका जो स्कोर है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के शेयर कीजिए, ओके। और आपकी जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम जनीस सिद्दीकी, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला महाराष्ट्र। गुड लक।